जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल एक्सप्लोर इम्पॉसिबल। तो बात करते हैं आज रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 का, जो कि आज ऑफिशियली लॉन्च हुई है एक नए अवतार के साथ। तो जानते हैं इसके बारे में, इसका क्या फीचर्स है, इसकी क्या खासियतें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल इनफील्ड की जो बुलेट 350, तो ये आई कहाँ से है। तो इसका जो बेस जो बताया जाता है कि स्टैंडर्ड से ये इंस्पायर होकर के बनी हुई बाइक है, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड में ही ये जो हैंड पेंटेड आप जो देख रहे हैं, ये बुलेट की रॉयल इनफील्ड की लेगेसी है, जो कि ये हैंड पेंटेड ये स्ट्राइप आप देख सकते हैं। एंड देन बात करते हैं सीट्स की, तो सीट्स भी पहले की तरह जो स्टैंडर्ड में जो फ्लैट सीट हुआ करती थी, सेम फ्लैट सीट दी गई है, बट पहले से ज़्यादा कुछ नहीं दी गई है। देन अगर बात करें इसके बैज की, तो ये विंग्स वाला बैज जो काफ़ी पहले आया करता था, एंड देन इसके अंदर में एक क्राउन, ये क्राउन जो दिया गया है ये इसको एक नेक्स्ट लेवल, अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है। इसका जो लुक्स है ना, उसको एक अलग लेवल पे लेके जा रहा है। एंड देन बात करते हैं इसके पीछे की, तो लगभग अगर देखा जाए तो जो अपना रिबॉर्न 350 क्लासिक रिबॉर्न है, सेम एज इट इज़, सेम जो राउंड शेप में इसका जो पहले टेल लाइट हुआ करता था एंड इंडिकेटर जो हुआ करता था, सेम दिया गया है रिबॉर्न वाला। एंड देन अगर इसमें नई चीज़ एक ऐड की गई है, तो इसके साइड स्टैंड में किल स्विच ऐड किया गया है, जो कि आप अगर आपका साइड स्टैंड अगर लगी हुई है तो बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होगी, एंड इन केस आप रनिंग पीरियड में अगर बाइक को स्टैंड पर नीचे कर देते हो तो बाइक आपकी जो है इंजन बंद हो जाएगी। एंड देन फ्रेम हुआ करता था, अभी ये चेंजेस जो है पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें दो फ्रेम दिया गया है, यानी कि डुअल क्रेडल फ्रेम इसको बोलते हैं, डुअल क्रेडल फ्रेम दिया गया है। एंड देन आगे से बात करें तो पहले की तरह 350 जो अपनी रिबॉर्न क्लासिक आया करती थी, सेम हेडलाइट दिया गया है, हेडलाइट हाइलोजन है, एंड ये अपना इंडिकेटर भी हाइलोजन दिया गया है। और एक मेजर डिफरेंस अगर बात करें तो ये बाइब्री की डिस्क दी गई है इसमें, जो कि आई थिंक कि पहले स्टैंडर्ड मॉडल में डिस्क नहीं आया करती थी, अभी बाइब्री की डिस्क भी दी गई है। और उसके बाद सबसे जो अपने इस मॉडल में जो 350 बुलेट 350 में जो सबसे मेजर जो चेंज आया है, वो कि जो किक हुआ करते थे पहले के मॉडल्स में किक हुआ करते थे, अभी ये ओनली इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो गई है, किक इसमें से रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ भी अपने साइड्स में भी जो है बुलेट 350 का बैजिंग आप देख सकते हैं। और देन मेजर जो डिफरेंस है वो इस बाइक की जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इस बाइक में पहले क्या हुआ करता था ना कि अपन कंफ्यूज हो जाया करते थे कि अभी क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट्स की नॉर्म्स आ चुकी है कि मिनिमम 20% जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा, बट हम लोग कंफ्यूज इस पॉइंट पे होते थे कि एथेनॉल के कंपेटेबल हमारी बाइक है या नहीं है। बट अभी कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि अप टू 20% एथेनॉल ऐड किया हुआ पेट्रोल इस बाइक में यूज हो सकती है। आप क्लियर देख सकते हैं कि पेट्रोल अप टू 20% E20, यानी कि इसका सेंस ये बनता है कि एथेनॉल 20% तक आप इस बाइक में यूज कर सकते हैं। वैसे करने को 80% तक के लिए कंफर्टेबल है, बट कंपनी अभी जो कह रही है वो 20% के लिए ही कह रही है। इन फ्यूचर अगर ज़्यादा भी एथेनॉल अगर मिक्स होकर के आती है अगर पेट्रोल, तो भी हम इस बाइक में यूज कर सकते हैं। बाकी सारा जो मेजर जो फीचर्स हैं पहले के रिबॉन के अकॉर्डिंग ही दिया गया है, पहले वाला जो काफ़ी है जो अपना एक्सीलेटर का ग्रिप हुआ करता था काफ़ी कुछ नहीं अनकंफर्टेबल दिया गया है। और किल स्विच भी पहले की तरह दी गई है, रेट्रो लुक किल स्विच भी जो है अपना रेट्रो लुक है। और मीटर की बात करते हैं तो मीटर दिखाइए ज़रा, मीटर की अगर बात करें तो जो पहले का कंसोल आया करता था रिबॉर्न का, सेम रखा गया है, कोई मेजर चेंज नहीं है इसमें। पहले भी एनालॉग मीटर हुआ करता था, एंड देन छोटा सा डिस्प्ले हुआ करता था जिसमें कि फ्यूल गेज एंड टाइम होता है। ये जो स्पेस है ये ट्रिप नेविगेशन मीटर के लिए है, ये एसोसरीज में आता है, ये आप अलग से फिट करवा सकते हैं। और साउंड की बात करता हूँ तो साउंड को आप मैं ट्राई करता हूँ आपको सुनाने का, तो साउंड देख सकते हैं पहले की तरह काफ़ी रिफाइंड साउंड है। इंजन की बात करूँ तो काफ़ी रिफाइंड आ रही है साउंड। और साइलेंसर की बात करता हूँ तो आवाज़ आप फील कर सकते हैं, काफ़ी प्यारी साउंड बाइक की बनाई गई है। एंड देन
अभी इसमें स्पोक्स मॉडल आ रही है, इसमें रेयर भी डिस्क दिया गया है। और बाकी अगर बात करते हैं तो इसका एक कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्द आने वाला है चैनल पे, तो जिसमें हम लोग जानेंगे कि बुलेट 350 एंड रिबॉन क्लासिक 350 में क्या चेंजेस हैं और क्या फीचर्स हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।